We have got Rana भैया in the car. क्या हाल है रैना भैया? Very good अनुराग भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. Like मैं आपको बता दूँ, it was a dream to meet you. अपने मम्मी की मंडवे की रोटी और सरसों का साग और रैना भैया का राजमा चावल, देखते हैं कौन जीतते हैं. मम्मा को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आफ्टर ऑल एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रहा हूँ. माँ बाप की ना दुआएं बहुत लगती है, फैंस की दुआएं बहुत, और आपका हार्ट कितना क्लीन है जी. अब जितना हार्ड वर्क करते हो, ऊपर वाली एक शक्ति बैठी है जो आपको पुश करती है. सिस्टम पैड का चला छोरे टोर मा. Hey guys, good evening, welcome back to the main episode. Finally guys, IPL 2024 स्टार्ट हो रहा है एंड द थिंग इज वी आर गोइंग फॉर द शूट विद रैना भाई. जिन्हें पता है उन्हें पता है लास्ट वाले एपिसोड में कितनी एक्साइटमेंट थी एंड फाइनली इट्स हैपनिंग. मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बहुत दुख 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 कर रहा है दिल मेरा, सच्ची में रहते का बहुत दुख 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 कर रहा है. हाँ, मेरे को तो खुशी हो रही है. तुम चीयर लीडर की तरह क्यों बन के जा रही हो लेकिन यार? और कॉपी ये देखो गाइस, कॉपी गार्ड सेम शूज क्या है ये? व्हाट इज दिस? मैंने पहना था इसलिए मैंने तुम्हारे भी है. गाइस मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस. आई डोंट नो कैसे करके क्या शूट करने वाले. मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूँ कि हम लोग कैसे शूट कर. हम लोग यहाँ से रैना भाई को पिक करेंगे एंड फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे स्टेडियम उन्हें ड्रॉप करने के लिए. सोचो पहली बारी उनका मैच है एंड वी आर ड्रॉपिंग हिम टू स्टेडियम टुडे. गाइस CSK वर्सेज बैंगलोर का मैच है एंड आज दुख दुख ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक मेन प्लेयर को स्टेडियम ड्रॉप करने जा रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी में. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब शुरू कर रहा था ना तो कभी नहीं सोचा था कि भाई इस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, ब्रो सेना, थैंक यू सो मच अपने लड़के को इतना सपोर्ट करने के लिए एंड उन्हीं के कारण शायद आज यहाँ पहुंच पाया हूँ. बट अभी के लिए बहुत नर्वस हूँ गाइज. एंड द थिंग इज अभी ना गाड़ी में सेटअप भी करना है कैमरे का, बिकॉज यू नो लैम्बो में केवल दो ही बंदे बैठ सकते हैं. सो मेरे को पूरा सेटअप बना के रखना है. लेट्स गो गाइज, फटाफट चलते हैं नीचे. सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है एंड मैं भी रेडी हो चुका हूँ. ये चेक करो आज का सेटअप, वी हैव केप्ट इट कूल एंड काम. चलते हैं नीचे. तो यार निकल चुके हैं हम लोग रूम से. वो तो दिखाओ मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर. ओके गाइस, अब मजाक कर रहा हूँ. चलो सतीश जी नीचे पहुँच रखे हैं. अभी मेन टेंशन तो ये है कि गाड़ी के अंदर सेटअप कैसे करेंगे भाई. होप आज हो जाएगा. इस रैना भाई जस्ट एंटर्ड द होटल. ओके बॉयज, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है. GoPro, ये वाला सेटअप और रितिका भी रेडी हो चुकी है. अच्छे से शूट करना वरना पैसे कटेंगे. फिलहाल गाइस रैना भाई इज कमिंग डाउन, लेट्स गो एंड मीट हिम. पहले बताओ कितने पैसे दोगे? दस रुपए के तुड़े. तो यार वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रैना भाई इन द लॉबी. मज़ा आएगा रैना भाई से मिल करके. एंड द थिंग इज गाइस, कैमरे भी मेरे सेटअप कर लिए हम लोगों ने. मैं ना कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी कार में. मैं आपको पूरा रोड मैप प्लान बता देता हूँ. यहाँ से हम लोग निकलेंगे होटल से, रैना भाई को पिक करेंगे, उसके बाद हम उन्हें छोड़ करके आएंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे मरीना बीच पर. देन हम लोग वहाँ से जाएंगे स्टेडियम. सो गना बी अ लॉन्ग ड्राइव, होप ट्रैफिक ना मिले. ओके बॉयज, रैना भाई से. हाय, हाउ आर यू? सब रैना भाई क्या करना है बताओ? इट्स वी आर शूटिंग अ व्लॉग सेगमेंट, उसके बाद कार पे हमारी ड्राइव है. मैंने भी येलो पॉच मंगाई थी जब मैं खेल रहा था यहाँ पर. और हम लोग तो ऐसे थे कि अगर नहीं पहुंची तो फिर क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी कमिट कर चुके थे. ओके बॉयज, वी हैव कम आउट एंड अभी रैना भाई को बिठा रहे गाड़ी में. यू विल ड्राइव दिस कार? आई विल ड्राइव दिस कार. सिक्योरिटी विल बी एस्कॉर्टेड फ्रंट एंड बैक. सिस्टम पैड का चला छोर टोर मा, चला टोर मा, गाड़ी बजाना तू मैं ठावे जिटी रोड पे, जिटी रोड पे, हा जिटी रोड पे. सिस्टम पैड का चला छोर टोर मा, चला टोर मा, हा चला टोर मा. ओके बॉयज, द प्रॉमिस दैट वाज मेड, इट्स Done now. We have got Rana भैया in the car. क्या हाल है रैना भैया? Very good अनुराग भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया. Like मैं आपको बता दूँ, it was
it was a dream to meet you and have I'm a big fan of CSK first of all, and you representing the team always. The car is yellow, the team is yellow, and so good to see you. बहुत सारे question आए हम लोग करने वाले. You're all excited? बिल्कुल. और इतना साल खेले चेन्नई के लिए तो looking forward to. Definitely guys. रैना भाई मेरे को बोले थे थोड़ा सा slow चलाना. मैंने कहा चेन्नई में मैं बाहर दिन में निकाला था गाड़ी, थोड़ा सा traffic का है अभी शाम के time and it is gonna be peak hours, तो थोड़ा सा आराम से लेकर के जाएंगे. We will be pitching out the best conversation for you guys. फिलहाल अभी security set up हो रहे हैं, इसके बाद we will go ahead. Let's go. First time है चेन्नई? Yeah, this is my first time. बहुत गर्मी है लेकिन भैया इधर बहुत ज्यादा नहीं है गर्मी है, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई इधर 90 के ऊपर तो उत्तराखंड में यू नो कभी नहीं जाती. इधर तो आते दिन में गाड़ी ने ऐसा हीट वार्निंग दिखा दिया है. गर्मी में तो बहुत बुरे हाल हो जाते होंगे राइट? बिल्कुल. बट आई एम सो हैप्पी टू मीट यू भैया कसम से. नहीं नहीं मजा आएगा बिल्कुल. एंड वी हैव स्टार्टेड डूइंग यू नो दिस काइंड ऑफ सीरीज विद द मतलब द सेलिब्रिटीज, ये वाले उसमें ना पीपल विल नो यू मोर बिकॉज लोगों ने आपको हमेशा ऑन कैम देखा है. They haven't seen that side of you जहाँ पर आप वो off cameras बातें करते हो. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने देखा था हार्दिक वाला भी, वो आपका साथ ना वो. हाँ जी हाँ जी. तो मैं तो खूब गाजियाबाद में रहता हूँ, अभी तो आई स्टे इन दिल्ली. ओके. तो अलग है, मेरे पास भी स्पोर्ट्स कार थी, वो येलो ही लेके आया था मैं इधर. ओके. येलो पोज बॉक्सर थी मेरे पास, एक्स क्लास. ओके. लिमिटेड एडिशन. क्रेजी. जैसे आपका 0000 में ना मेरा 0022 नंबर था. ओह अमेजिंग. सो यू आर लाइक यू आर बेसिकली इनटू सुपर कार्स? या आई वाज ड्राइविंग बिफोर मैरिज. अपने पास भी 2-3 साल का ही वो है एज, उसके बाद I'm gonna get married. मम्मी बोलेगी कि भाई अब फैमिली ओरिएंटेड. आई हैव फैमिली, मतलब फैमिली ओरिएंटेड कार तो नहीं है, I've got a Hilux because हम लोग ट्रैवलिंग में बहुत जाते हैं. सो ट्रैवलिंग में मेनली ये रहता है कि लगेज का बहुत ज्यादा इशू होता है. बिल्कुल बिल्कुल. आना कभी उत्तराखंड, गिव मी अ अपॉर्चुनिटी टू डेफिनेटली हेल्प यू विद हॉस्पिटैलिटी. बिल्कुल बिल्कुल. देहरादून तो वाज देयर, अभी हम टूर्नामेंट खेल रहे थे. हां जी हां जी. इट वाज सो मच फन. बट इस प्रोजेक्ट के लिए आई वाज सुपर एक्साइटेड टू शिप माय कार. वी वर काइंड ऑफ इन स्ट्रेस कि क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू डू दिस इन माय ओन कार. लाइक इट वाज वन ऑफ द ड्रीम की हम लोग जब भी पॉडकास्ट सेशन या फिर एक स्टोरी लाइन अप करें वी विल डू दिस. येलो कलर है ना, और कल से फीवर स्टार्ट हो रहा है आईपीएल का. हाँ जी. और चेन्नई वर्सेस बैंगलोर का मैच. चेन्नई वर्सेस बैंगलोर का मैच है. टू बिगेस्ट प्लेयर विराट एंड एमएस धोनी. या सो जब भी आप ग्राउंड जाते रहे ना भाई, तो टेल मी व्हाट डू यू गो थ्रू जाने से पहले? जब नहीं, सेम लाइक हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे बस से जाते हैं हम लोग, आगे सिक्योरिटी होती है. ओके. तो जैसे यू रूमिंग अराउंड और देख रहे हो फैंस को, अभी जैसे जैसे क्लोज आएगा ग्राउंड आप देखोगे कुछ लोग येलो टी शर्ट पहनी होगी चेन्नई के लिए, कुछ विराट के फैन होंगे. क्योंकि चेन्नई में आईपीएल जब भी हुआ है, कोई भी इंटरनेशनल मैच हुआ है, यहाँ के जो क्राउड है ना बड़ा नॉलेजेबल है वो. ओके. और यहाँ पर क्रिकेट को बड़ा रेस्पेक्ट देते हैं. ओके. तो आई वाज पार्ट ऑफ चेन्नई फॉर ऑलमोस्ट 15 इयर्स. ओके. सो हर गली नुक्कड़ में जो फैंस आते हैं, जो एक नॉलेज आती है, जो एक क्राउड आता है, ये अलग ही मज़ा है यहाँ पर. इट्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंटेंस क्राउड, और क्रिकेट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पर. एग्जैक्टली. तो जो भी टीम यहाँ पर आती है, चाहे चेन्नई जीते या कोई भी, तो अप्लॉड दोनों के लिए होता है. वो होम टीम ऑफकोर्स उनका काफ़ी फैन वैल्यू है इधर, बिसल पोड़ो आर्मी जो हम बोलते हैं. ओके. लेकिन जो दूसरी टीम भी अच्छा करती है उनको भी अप्लॉड करता है. तो ये क्वालिटी है क्राउड की यहाँ पर. एंड इट्स ऑल अबाउट दैट स्पिरिट ऑफ क्राउड की नो मैटर व्हाट, कोई सी भी टीम जीते, बट इट इज ऑलवेज अबाउट द स्पिरिट, राइट? बिल्कुल. और उससे अलग एक लगता है कि जिस तरीके से आप क्रिकेट को यहाँ अप्रिशिएट करते हो, कि मैं यहाँ बहुत साल खेला हूँ तो मुझे पता है कि क्राउड, चाहे टेस्ट मैच हो, 2020 हो, और चेन्नई तो अलग ही. लास्ट ईयर चेन्नई जीती है वो, और एमएस धोनी खेल रहे हैं, उधर से विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, इधर से रविंद्र जडेजा. तो लोकल फ्लेवर भी बहुत है लेकिन इंटेंस बहुत होता है वो. तो आप जब रुक रहे हैं तो ये मैच देख के जरूर जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसको लाइव देखेंगे कल. डेफिनेटली रहना भाई, डेफिनेटली. ऑडियंस ने ना हमेशा आपको मतलब देखा है वैसे भी, बट इतना फ्रैंकली ओपनिंग अप टू एनी पॉडकास्ट सेशन लाइक नहीं मिलता, यू नो, लाइक फ्रॉम आई टेल यू आई एम अ फैन बॉय एंड यू नो वी हैव ओनली सीन यू ऑन बिग टीवी स्क्रीन. हमने कभी ऐसे कभी बात नहीं जानी चाहिए कि रैना भैया घर में क्या होता है, फील्ड में क्या होता है. सो वॉट इज योर बेस्ट मेमोरी स्पेसिफिकली धोनी सर के साथ? ये बहुत है, हम लोग इतने साल यहाँ पर खेले तो वी डू नो कि कैसा क्राउड है, कैसा है. आई थिंक वी प्लेड सो मेनी मैचेस फॉर चेन्नई, वी प्लेड सो मेनी मैचेस फॉर द कंट्री, एंड ही इज़ ए हम्बल गाय एंड ही इज़ अ वेरी एस्ट्यूट लीडर.
एंड क्वालिटी विद हार्ट, क्वालिटी विद कामनेस, एवरीथिंग इज ही हैज डन इट. आई थिंक ही इज जस्ट अमेजिंग. आई थिंक वो जो आप देखोगे इतने साल खेले हैं, वो सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, सच ए ग्रेट ऑनेस्ट गाय. और जब खेलते हैं तो दिल से खेलता है वो, बिल्कुल एकदम जैसे वो पहाड़ के लोग रहते हैं ना, एकदम मस्त. वो भी पहाड़ से हैं, वो भी अपने झारखंड हो गए, पहले वो यूपी में आता था उत्तराखंड. जी जी जी, यूपी में आता था उत्तराखंड, उसके बाद वो झारखंड में हुए, उतने साल खेले. आई थिंक ही इज बीन अनबिलीवेबल विद हिज गेम, विद हिज अप्रोच. और वो पत्थर को भी छूते हैं तो वो सोना हो जाता है. वो उनका अलग ही क्वालिटी है, वो गेम रीडिंग बहुत अच्छी है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो अलग ही क्वालिटी है. एक जगह मैंने कहीं पर पढ़ा था भैया कि इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एमएस धोनी ना, यू वांट टू बीट हिम बट यू डोंट वांट टू बीट हिम बिकॉज़ यू हैव सो मच रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम. सो लाइक इज दिस काइंड ऑफ ट्रू इफ आई से कि ऐसा नहीं है. जो भी टीम आती है दे वांट टू शो हिम कि हम बेस्ट हैं आपके अगेंस्ट. स्किल्स बहुत अलग है, वो ग्राउंड के अंदर एक अलग खेल का एक जुनून होता है वो. ओके, एवरीवन वांट्स टू इंप्रेस हिम. ओके, अपने क्लास से जैसे भी हम आपस में बात करें, आप जब किसी का पॉडकास्ट करते हो, कोई भी इंटरव्यू करते हो, कोशिश करते हो आप बेस्ट करो. जी जी, और कल को मैं भी अगेंस्ट खेलूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा हूं. ओके, तो वैसे रहता है वैसा रिस्पेक्ट वो करते हैं हम लोग ऑफ द फील्ड, और ऑन द फील्ड भी होता है. लेकिन आप खेलते हो तो आप बेस्ट कहेंगे तो आप बेस्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि सब उस लेवल पे सेम है वो. ओके, चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, और अभी नए नए बहुत जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं. यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह माय फेवरेट, उसके बाद संजू सैमसन वन ऑफ द ग्रेट लीडर कर रहे हैं. जी जी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आईपीएल में जिस तरीके से आप देखते हो छोटे छोटे शहरों से. आपका उत्तराखंड का वो मडवाल जितने अच्छे प्लेयर हैं, मैंने बड़ा अच्छा किया है एमआई के लिए. तो आप देखोगे फ्लेवर बहुत ज़्यादा है. लेकिन एज यू सेड कि वो जो बेस्ट के अगेंस्ट खेलते हो, कोशिश करते हो बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करो. जब भी आप गेम में जाते हो, लाइक डू यू लिसन टू एनी सॉन्ग्स जो आपको पंप अप करते हैं, लाइक यू नो? नहीं, मैं सारे पंजाबी या हिंदी. मैं किशोर कुमार साहब का बड़ा फैन हूँ, अरिजीत सिंह हो गए, उसके बाद रफ़ी साहब, ओल्ड वाले गाने पसंद. लेकिन हमने चेन्नई में यहाँ पर ए आर रहमान के गाने बहुत सुने. ओके, हमने बहुत सारे गाने, बाला सुब्रमण्यम सर उनके गाने बड़े सुने. ओके, जो हमारा फेवरेट है सूर्य सर, जी जी, यहाँ के बिगेस्ट एक्टर है जी, रजनी सर, तो उनके गाने बड़े. तमिल इतना अच्छे उनके कंपोज करते सिंगर. फिर आप देखेंगे बहुत सारे और भी हैं, वायर दी कोलावरी दी वो बड़ा हिट है जी. वो भी धनुष जो जी हैं, उनका जो कंपोजर उनके दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया. बहुत सारे सिंगिंग है. वो आपको बताइए साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है कितना ग्रो कर रही है एज ए कमर्शियल और एज ए इमोशनल. चाहे वो सूर्या सर हो, चाहे वो रामचरण जी हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो साउथ के महेश जी हो, चाहे रजनीकांत सर यहाँ से हो, अपने कमल हसन सर हो, इज बिन ब्रिलियंट एक्टर. और मैं बहुत मूवीज देखी यहाँ पर लोगों की. जी भैया, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? लाइक नॉर्मली लोगों को पता नहीं होगा, बट व्हिच इज योर फेवरेट मूवी? आई थिंक आई एम मोर इनटू बॉलीवुड. ओके, बट आई वुड से कि यहाँ की भी जितनी मूवी हम देखते हैं साउथ में, जब भी ट्रिपल आर बड़ी अच्छी लगी, दोस्ती है उसमें. ओके, और उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्या इज ए ब्रिलियंट एक्टर. उनकी जो मिसेस हैं ज्योतिका मैम, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. और भी बहुत सारी यहाँ पे एक्ट्रेस, श्रुति हसन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसके ज्योतिका मैम है. मैंने आपके मुंह से ना पहाड़ बहुत बारी सुन लिया है भैया. तो लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक लव फॉर पहाड़? नो, माय डैड यूज्ड टू वर्क इन आर्मी, ही इज फ्रॉम कश्मीर. ओके, तो मैंने माउंटेन्स बहुत देखे हैं वहाँ पर. ओके, मुझे बहुत फील आती है वहाँ पर. मम्मा खुद हिमाचल से, वो भी पहाड़ जगह है. मतलब मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में पहाड़ के लिए अलग ही मोहब्बत देखी है आपकी शब्दों में. सो जब व्हेनेवर यू स्टार्ट योर जर्नी, राइट, वी ऑल नो यू हैड अ कॉमन बैकग्राउंड, जब वो एक मोमेंट आया जिंदगी में कि भाई ऐसा लगा कि हाँ इस पॉइंट पर घर वाले ने, मतलब ऑब्वियस ही बात है आज के टाइम पे क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द फैमिलीज आर लाइक कि पढ़ाई ही करोगे तो यू हैव अ फ्यूचर, राइट? नहीं, जब मैं छोटा था ना अनुराग भाई, मैं निकल गया था हॉस्टल में. ओके, मैंने जो तालीम हासिल करी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से करी है. मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में था. ओके, 98 में बोर्डिंग स्कूल में गया. ओके, 2000 में मुझे स्कॉलरशिप मिली एयर इंडिया से, मेरी अभी भी जॉब है एयर इंडिया. अमेजिंग, अमेजिंग. 2008 में मुझे CSK ने चेन्नई ने पिक किया. ओके, तो उधर बड़ा अच्छा रहा वो. उसके बाद बहुत साल खेले, 4 बार हम IPL जीते, जी जी, चैंपियंस लीग जीते, जी जी, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते. जी, तो एक अलग फील है वो. जैसे आपने बोला कि मेरे फैमिली में सब पढ़ाई के थे, आर्मी से थे वो, बिल्कुल, पर मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना था वो, कि
कि पापा ने अगर मम्मी मॉम डैड ने फ्रीडम दी है तो आई नीड टू एग्जीक्यूट माय सेल्फ कि मैं किस फील्ड में अच्छा हूं। मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला था। तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जब आपको लगा ना कि भाई मैं मेरे को अपने जोन में कुछ करना है? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट फैमिली रिएक्शन? मैं गांव में खेलता था। ओके। आई नेवर थॉट कि मैं खेलूंगा देश के लिए। जब मैं इंडिया में स्कॉलरशिप मिली तो मैंने सचिन को पहली बार देखा था, सचिन तेंदुलकर सर को। हाँ जी। जब मैं MIG में था या CCI क्लब में प्रैक्टिस करते, मैंने कहा पाजी खेले हैं तो बड़ा अच्छा लगता था कि टीवी पे उनको देखना, कमेंट्री सुनना मम्मी पापा के साथ। जी जी। तो एक मेरा था कि नहीं उनके साथ खेलना है। उसके बाद फिर अपने स्टेट के लिए खेलना था, उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल। चाहे वो अंडर 14 हो, अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, बड़े जज्बा था अंदर, एक जुनून था एक अंदर, एक आग थी। आग कह सकते हो, बिल्कुल। छोटे शहर से आए थे कि आग थी, बस खेलने को मिलना चाहिए था, छोड़ना नहीं था बस। जब धीरे धीरे सीनियर्स मिलते गए, उन्होंने गाइड अच्छा किया, फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआएं और वो एक जज्बा जो आपने भी जिस तरीके से पॉडकास्टिंग स्टार्ट करी, कम फ्रॉम ए फैमिली, यहाँ पर देहरादून आप रहते हैं, आपसे बात हो रही थी। जी जी जी। तो आपको आइडिया कैसे आया पॉडकास्टिंग करने का? मतलब ये पॉडकास्ट इज नॉट माई मेन स्ट्रीम, सो मैं ना व्लॉग्स बनाता हूँ, बेसिकली मोटर व्लॉगर। सो मैं कॉन्टेंट जो बनाता हूँ, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ भैया ऑन सुपर बाइक्स एंड सुपर कार्स। सो पॉडकास्ट वाला आइडिया, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू जोन, हमने कहा यू नो लेट्स, वी हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दिस कंटेंट। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि यू नो हम लोगों ने क्या प्लान करा है कि सपोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपका ये साइड, इस जो लहजे में आप बात कर रहे हो, इस तरीके में आप स्टोरी बता रहे हो, बहुत सारे लोगों को ना जानना है आप लोगों को, क्योंकि आपके फैन बेस, आई एम अ फैन राइट, एंड मैंने आपको बोला कि मैं हमेशा आपको ऑन स्क्रीन ही देखा है, बट व्हेन आई सी दिस, मैंने आपको जब इस तरीके से बात कर रहा हूँ, इस तरीके से देख रहा हूँ, तो आई फील लाइक आई, मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा है। सो इस पॉडकास्ट के माध्यम से इतने सारे लोगों को आपको देख करके, जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि यार जिस आइडल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन इमेज अलग रहती है, बट आई मैं आपको 15-20 मिनट का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपके साथ। यू आर अ वेरी हम्बल गाय एंड आप बहुत चिल गाय हो राइट। तो जब ये मैसेज ना फैन तक पहुंचता है तो उनका प्यार आपके लिए और बढ़ जाता है। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, बट इस कॉन्वर्सेशन के बाद वो रिस्पेक्ट और इज्जत और भी बढ़ गई आपके लिए। नहीं बिल्कुल, फैंस जैसे आपने बोला कि असली गेम के जो हीरो हैं वो लोग हैं, क्योंकि वही प्लेयर को बनाते हैं, वही प्लेयर को दुआएं देते हैं, प्लेयर उनके लिए खेलता है, प्लेयर अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलता है। जी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब सबको लगता है कि सक्सेस मिली है, लेकिन जो फेल होता है ना प्लेयर, जी, जो उठाता है प्लेयर का, वो फैंस उठाता है, क्योंकि आप फेवरेट मेरे होंगे, मैं आपका होऊंगा, लेकिन जब मैं डाउन होगा तो चिप्स, जब डाउन होंगे ना आप बोलोगे नहीं तू शेर है उठ, तो वो फैंस के लिए, वो माता पिता, वो फैंस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एंड आई हैव सीन दैट, वो मैंने चेन्नई में देखा है, विसल पोड़ू जो आर्मी है ना यहाँ की, वो बहुत अलग ही क्वालिटी वाली है। आप जब चिप्स आ डाउन, आप कभी हारते हो मैच, अच्छा नहीं होता, वही पहले आएंगे आपको सपोर्ट करेंगे। येलो लव अलग है यहाँ के, फीवर बहुत अलग है जब येलो फ्लैग आप देखेंगे। जी। तो अमेजिंग है, क्योंकि फैंस के लिए जब आप खेलते हो, आपने देखा होगा हम सॉकर मैचेस देखते हैं, सारे प्लेयर लोग खेलते हैं, तो एक अलग ही फील आती है वो। जी जी। और वही चेन्नई इज ऑल अबाउट दैट, देयर फैंस इज अमेजिंग। कॉमन इंस्पिरेशन स्टोरी जब मिलती है ना, कि हम लोग बहुत छोटे शहरों से आते हैं, एंड हमारे लिए वो टाइम पीरियड पैसे रहता है कि यार हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए जिससे लाइक जो हमारे सपने, मिडिल क्लास फैमिली, एक लाइन है कि मिडिल क्लास लॉन्डे का शाहरुख खान वाला फैन बेस, उस चीज़ के लिए हम लोग जीते हैं राइट। सो व्हेन यू स्टार्टेड, आपके ऐसे बड़े सपने थे कि यार मैं कभी इतना सब कुछ अचीव कर पाऊंगा, इतना सब कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में? व्हाट इज द स्टोरी? अच्छा इंसान बना था वो। ओके। माँ बाप के लिए एक अच्छा पुत्र, बहन के लिए एक अच्छा भाई, अब शादी होगी तो एक अच्छा पति, मतलब खेलने के लिए जुनून था, पर कभी सोचा नहीं था। अभी भी ऐसे कभी सोचता हूँ, घर जाता हूँ हॉलीडे पे, कहीं पहाड़ पे बैठा होता हूँ, सोचता हूँ यार इतनी दूर तक आ चुके हैं, देश के लिए खेले, चेन्नई के लिए खेले, अपने उत्तर प्रदेश के लिए खेले, इंडिया के लिए खेले, हर इस फ्रेंचाइजी के लिए खेले। जी भैया। तो वो ऊपर वाले का करिश्मा है, और जब माँ बाप की ना दुआएं बहुत लगती है, फैंस की दुआएं बहुत, और आपका हार्ट कितना क्लीन है। जी। आप जितना हार्ड वर्क करते हो, ऊपर वाली एक शक्ति बैठी है जो आपको पुश करती है। जी भैया। मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ। जी भैया। और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप शांति में मेहनत करते हो ना, उसका धमाका बहुत बड़ा होता है। जी जी डेफिनेटली। मैं खुद गाँव से आया हूँ, मैंने जद्दोजहद बड़ी करी, लेकिन हमेशा बड़ों का रेस्पेक्ट किया है, और बड़ों ने बड़ा दुआएं दी हैं। जो ब्लेसिंग है ना, वो दुआओं का काम करती है, वो दवा का काम करती है। जब आप जाते हो किसी भी बड़े प्रेशर गेम में, तो आप ऐसे परफॉर्मेंस करके आते हो, सोचते हो ये कैसे हो गया वो। जी। फिर आप सोचते हो नहीं, माँ बाप वॉच कर रहे थे, फैंस लोग वॉच कर रहे थे। जी। तो दुआओं से ना बहुत चीज़ आप हासिल कर सकते हो। मैंने दुनिया में हमेशा दुआएँ ली है,
और फिर अपनी मेहनत करते गए वो जी भैया, तो बहुत जरूरी है वो। बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से। वी नेवर थॉट कि ये लाइक यू नो ये कॉन्वर्सेशन इस जोन में चले जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी सी आई सी यू एज अ प्लेयर रिप्रेजेंटिंग आर नेशन, बट डीप डाउन यू नो जो सक्सेस स्टोरी होती है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट राइट, अलग अलग लोग एवरीवन, सबको क्रिकेटर या सबको व्लॉगर नहीं बनना है जिंदगी में, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जोन की स्टोरी सेम ही है, नो मैटर व्हाट विच फील्ड यू आर वर्किंग ऑन, वो सक्सेस स्टोरी में ऐसा नहीं होता ना कि सक्सेस एकदम से मिल जाती है राइट। सो हाउ डू यू डिफाइन दैट जर्नी, जब आप उस रास्ते में चल रहे होते हो तो कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि यार अब क्विट करता हूँ, अब क्विट करता हूँ? नहीं, प्रोसेस है अनुराग, वो एक डेडिकेशन लेवल है। आप प्रोसेस करते रहो, अपने जो हाथ में चीज़ें ना वो करते रहो आप, उससे आप सारी चीज़ें हासिल। आप भी इतनी दूर से आपने गाड़ी मंगाई जी भैया, पहले आप और बड़े प्लेटफॉर्म पे अभी आप जा रहे हो, एक आईपीएल एक ऐसी जगह, और फर्स्ट मैच चेन्नई बैंगलोर का है जी जी जी, टू बिगेस्ट सुपरस्टार एमएस धोनी एंड विराट कोहली, उसके बाद रविंद्र जडेजा, ऋतुराज, उधर फैफ डू प्लेसिस, युवराज, बहुत सारे प्लेयर ऐसे जो अलग ही चीज़ें हैं। तो डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है वो जी भैया। रिजल्ट कल किसने देखा पता नहीं है वो, लेकिन आप आज अगर जियोगे ना अच्छे से तो फिर आपके लिए महीना हफ्ता साल सब रखा है वो। पर लाइफ को एंजॉय करना, बहुत एक लाइफ मिली है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, एंजॉय करो, खेलो धमाके, क्योंकि मुझे तो खेल पता है एंजी, एंजी। खेलना ऐसा खेलना है कि दुनिया आगे आपको देखे कि नहीं यार ये खिलाड़ी आया था जो ऐसा खेला एकदम लोगों को एंटरटेन करके गया हो, जो मैं आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ, आपके ब्लॉग भी आपने बताया आप लिखते हो जी। तो लोग एटलीस्ट एक मोटिवेट होते हैं, तो किसी ना किसी जरिए से हम दोनों उस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं। बट एंजॉय करना बहुत जरूरी लाइफ, जो भी आपको कार आप अच्छा चलाते हो, आपको स्पोर्ट्स कार का शौक है जी भैया, मुझे खाना बनाने का, सिंगिंग करने का, फैमिली के साथ हॉलीडे में जाने का, अपने ओल्ड टीममेट के साथ गपशप लड़ाने का, तो बड़ा मतलब मजा आता है उसमें। Amazing, such a wonderful journey. आपने कहा आपको सिंगिंग का बहुत शौक है, सो कैन वी आस्क फॉर अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि एक छोटा सा कोई भी दो चार लाइनें आपकी फेवरेट सॉन्ग की आप हमारे ऑडियंस को, अपने फैंस को सुना दो, बिकॉज़ ये पुराने गाने हो अपने किशोर, एनीथिंग जिस जो दो लाइनें भैया गाना कभी कभी भूल जाता है। अमेजिंग पुराने गाने बड़े पसंद है वो। बहुत अमेजिंग। फिलहाल अभी आप ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, इसके बाद लाइक यू नो कितने घंटे का अभी प्रैक्टिस है आपका नॉर्मली? आईपीएल अभी जियो सिनेमा पे आ रहा है, और अभी मैं चेन्नई की प्रैक्टिस कवर करने जा रहा हूँ, दोनों को देखना है कि किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं जी। और जैसे आप बोल रहे थे ना बीच में गाड़ी से जाते, तो जब बीच आता है ना जी, तो मेरे पास येलो गाड़ी थी, okay. मैं भी येलो गाड़ी से जाता था, माई भाई के पास बाइक थी, okay. मेरी गाड़ी में भी बैठे थे, मैं उनकी बाइक में, उनको बाइक का बड़ा शौक, तो हमारा जो ऑफ टाइम का एक जो स्ट्रेस बस्टर था ना, वो मैं गाड़ी चलाता था, वो अपना बाइक चलाते थे, okay. 2008, 9, 10, 13, 11, 12, 13 के बीच में जी, उनकी बड़ी अच्छी बाइक थी, वो बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग। रहना भैया से हम लोगों ने ना पहाड़ इतना ज्यादा सुन लिया है भैया, जब भी आप पहाड़ आओगे तो मंडवे की रोटी और सरसों का साग बहुत खाया था। मंडवे का आटा गाजियाबाद में भी है भैया ने सब कुछ, चूल्हे की रोटी भी खाई है, चूल्हे की रोटी, पकौड़ी विद हरी सब्जी, मैगी बहुत खाई है, भुट्टा बहुत खाया है। ये ऑलरेडी पहाड़ खंगाल चुके हैं, मेरे को लग रहा था कि कभी आएंगे तो वी विल हैव अ हॉस्पिटैलिटी फॉर हिम, बट सो अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद हिम, आई नेवर थॉट यार, एंड ऑडियंस ने तो पक्का नहीं सोचा होगा कि हम लोग ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशन में रन डाउन करने होंगे। बहुत अच्छा लगा रहना भाई आपसे मिल करके, एंड कसम से इतनी बातें हुई है ना, इतनी बातें, अभी तो लाइक कितना दूर है अभी स्टेडियम में, यहाँ से आगे से लेफ्ट लेंगे, सीधा जाएंगे लेफ्ट में स्टेडियम में, वहाँ से आगे जाके राइट, ओके, प्रैक्टिस होने वाली है, दोनों टीमें भी करेगी, बहुत बड़ा मैच है कल, बहुत बड़ा मैच है गाइस कल एक्चुअली। ऑल द बेस्ट एंड होप यू परफॉर्म वेल एंड यू डू गुड, है ना। फिलहाल के लिए भी भैया को स्टेडियम छोड़ करके आएंगे गाइस, ये पूरा मरीना बीच है भैया, पूरा मरीना बीच है वो। अगर हमें टाइम मिला गाइस शाम को, बिकॉज वी हैव अनदर शूट आफ्टर दिस, अगर टाइम मिला तो हम शाम को पक्का मरीना बीच घूमने आएंगे। मरीना बीच की सबसे फेवरेट डिश, फेमस डिश क्या है भैया? भुट्टा, यहाँ भुट्टा मिलता है? भुट्टा नहीं, यहाँ पर आपको बनाना चिप्स मिलेंगे, ओके, चना मिलेगा, और एक सीताफल होता है राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीताफल भी, वो आइसक्रीम मिलती है इधर, छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने मॉम डैड के साथ, ओके भैया, तो बड़ा प्यारी जगह है, अमेजिंग। आगे जाओगे तो यहाँ पर नेवी का भी एक ऑफिस है उधर, यहाँ पे काफी नेवी ऑफिसर्स हैं हमारे, यहाँ से हमने एक बार बोट भी की थी जी जी जी, आगे हमारे काफी सारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, दे लुक आफ्टर कंट्री, उनको भी बहुत सलूट है।
You are such a nice guy, bro. Kasam se, like, so much respect for you. जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिलते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि भाई he will take time. And this is the first time I'm meeting him, right? भैया ने वो हार्दिक पांड्या वाला podcast देखा है शायद से. That is the only content you have seen till now, right? Absolutely, yeah. And देखो second content में हम लोग भैया को ही अपने podcast में लेकर के आ गए. But you are such a humble person, रहना भैया. Like, honestly, so much respect for you. मैं fanboy की तरह मिला था, but now there is so much love and respect for you. But एक बारी मम्मा के हाथ का मेरे को अगर मौका मिला फ्यूचर में तो मैं आपको राजमा चावल पक्का खिलाऊंगा. मेरी माँ के हाथ का खाना है राजमा चावल. मुझे मडवे की रोटी और चूल्हे वाली रोटी और वहाँ का जो चटनी बनती है ना वो खिलाइएगा. डन डन. मैं पक्का, आप जब भी उत्तराखंड चावल मैं आपको पहाड़ पे बना के. अच्छा, आप भी लाइक आप लाइक यू टोल्ड मी यू आर अ कुक, राइट? दो चीजों का बार्टर यहाँ पर, अपने मम्मी की मंडवे की रोटी और सरसों का साग और रैना भैया का राजमा चावल. देखते कौन जीतते है. मम्मा को हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आफ्टर ऑल एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रहा हूँ. मेरे को तो पॉडकास्ट के बाद घर में जाकर इतनी डांट पड़ेगी कि भाई चैलेंज कहाँ लगा कर क्या कर. Rahi gali asli jab to saha.